morning students, how are you all of you? I hope you all are fine. Today's subject is English, or today I will teach you letter W. So students, this is capital W and this is small W. So जैसे capital W होता है वैसा ही same small W होता है, लेकिन जो capital होता है letter वो start red line to third blue line तक होता है, और जो स्मॉल डब्ल्यू होता है वो राइट ओनली टू ब्लू लाइंस. ओके बच्चों, सो अब नेक्स्ट, विच पिक्चर इज दिस स्टूडेंट्स? यस, दिस इज पिक्चर ऑफ वाटरमेलन. सो विच कलर ऑफ द वाटरमेलन? वाटरमेलन का कलर कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ग्रीन कलर. सो फर्स्ट आई विल फिल इन ग्रीन कलर. ओके, वाटरमेलन में मैं ग्रीन कलर करूंगी. ओके बच्चों, और डब्ल्यू फॉर क्या होता है? वाटरमेलन. और अभी जो समर सीजन चल रही है तो वाटरमेलन तो आपके घर पे आ ही गया होगा, तो डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन. और वाटरमेलन का कलर कौन सा होता है बच्चों? ग्रीन कलर. ओके, तो डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन. और W कैसे लिखना है? जैसे आपको पता है ना कैपिटल W, वैसे ही स्मॉल W होता है. ओके बच्चों, तो यहाँ आउट पार्ट होता है ग्रीन कलर का. ओके, और अब आप देख सकते हो यहाँ पे उसके अंदर के पार्ट की एक पीस है, तो वो कौन से कलर की होती है? रेड कलर की. तो वो ये पीस हम रेड कलर का करेंगे, तो इसमें हम करेंगे रेड कलर, क्योंकि अंदर का पार्ट होता है वो रेड कलर का जो हम लोग खाते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैंने वो हमने वाटरमेलन में कलर कर दिया. ओके, अब हम लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू. सो स्मॉल डब्ल्यू राइट्स ओनली टू ब्लू लाइन. सो फर्स्ट ड्रॉ, स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड ब्लू लाइन टू थर्ड ब्लू लाइन, ड्रॉ slanting line, again go to up, then again down to with up slanting line. Okay, हमें first slanting line draw करनी, slanting line से ही up जाना है, down आना है, और उसके साथ slanting line के साथ हमें ऊपर up जाना है. Okay, first draw slanting line, again go up, then again down to with up slanting line. Okay, first draw slanting line, up जाना है slanting करके, down करना है slanting, and वापस से up जाना है slanting line draw करके. Small W, first draw slanting line, again go to up, then again down to with up slanting line. ओके, स्मॉल डब्ल्यू. तो जैसे कैपिटल डब्ल्यू होता है वैसा ही स्मॉल डब्ल्यू होता है, लेकिन स्मॉल डब्ल्यू राइट्स ओनली टू ब्लू लाइंस. ओके, स्लैंटिंग लाइन, अगेन गो अप, देन अगेन डाउन टू विथ अप स्लैंटिंग लाइन. ओके, अब फिर से लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड ब्लू लाइन टू थर्ड ब्लू लाइन, ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन, अगेन गो अप, then again down to with up slanting line. Okay, W for watermelon, first draw slanting line, up जाना है, वापस down करना है, और with up slanting line, वापस से slanting line करके up जाना है. First draw slanting line, up, down करना है, और वापस up जाना है. W for वाटरमेलन. हमें फोर ही लाइन, सारी की सारी हमें स्लैंटिंग लाइन ही करनी है. फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, वापस अप जाना है, स्लैंटिंग लाइन के डाउन करना है, और वापस अप जाना है. ओके, W फॉर वाटरमेलन, फर्स्ट ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन, अगेन गो अप, अगेन डाउन विथ अप स्लैंटिंग लाइन. ओके, फर्स्ट ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन, अगेन गो अप,
then again down and up slanting line. Okay, W for watermelon. First draw slanting line, again go up, then again down and with up slanting line. Okay, slanting line वापस से अप जाना है, डाउन करना है और वापस अप जाना है स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करके. ओके, डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन. फर्स्ट ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन, गो अप, अगेन गो डाउन एंड ड्रॉ, सॉरी अप जाना है स्लैंटिंग लाइन करके. डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन. फर्स्ट ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन, अगेन गो अप, देन डाउन, देन अप. W for watermelon. First draw slanting line, second blue line to third blue line. Go up, then down, then again up. W for watermelon. First draw slanting line, second blue line to third blue line. Then go up, then down, then up. W for watermelon. First draw slanting line, again go up. Then again down, then up. W for watermelon. Slanting line, up jana hai, down, again up. W for watermelon. First draw slanting line, then go up, down and again up. W for watermelon. First draw slanting line, again go up, then again down and up. W for watermelon. Slanting line करनी है, up जाना है, down करना है और वापस up जाना है. Okay, W for watermelon. First draw slanting line, again go up, then again down and again up. W for watermelon. Okay, so समझ में आया कि how to write small w. So write small w only two blue lines. First draw slanting line, then up, down or again up. तो ये बन जाएगा हमारा small w. अब next है highlight capital W and small w. मतलब कि जहाँ पे भी capital और small w है वहाँ पे हमें light green color से उसको highlight करना है. तो पहले हम find करेंगे where is w students. Yes, दिस इज कैपिटल W. तो इस पर हम लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट करेंगे. ओके, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाजू में ही, उसके साइड में ही है स्मॉल W. तब आपको कैपिटल W याद है तो स्मॉल W आपको इजीली मिल जाएगा. जैसे स्मॉल W कैपिटल W होता है वैसा ही स्मॉल W होता है. सो नेक्स्ट फाइंड स्मॉल W. Yes, small W. Okay. Next find करते हैं where is W. Yes, small W. W for watermelon. Next find करते हैं. Yes, this is small W. तो इस पे हम लाइट ट्राई करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमने कैपिटल और स्मॉल डब्ल्यू फाइंड करके उन पे हाईलाइट की. सो स्टूडेंट्स, टुडे होमवर्क इज वन पेज स्मॉल डब्ल्यू इन इंग्लिश नोटबुक. ओके, और अच्छी राइटिंग में आपको स्मॉल डब्ल्यू लिखना है. ओके बच्चों, बाय बाय.